मध्य प्रदेश में गायों पर हो रहे अत्याचार और भूख प्यास से उनकी हालत बदतर होने पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश की गौशालाओं का चारा प्रबंधक के ही हजम कर जाने की शिकायत की है और गायों के संरक्षण के लिए गौ अभ्यारण्य बनाने की भी मांग की है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने सीधी जिले में शहर की गायों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए आवाज़ उठाई है और मांग की है कि प्रदेश के हर जिले में गौ हत्या निषेध कानून प्रभावी रूप से लागू किया जाए। साथ ही शेर चीतों को संरक्षित करने की तर्ज पर गायों के संरक्षण के लिए भी गौ अभयारण्य बनाए जाएं, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने पहले हाथों में स्लोगन देकर रैली निकाली, उसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश में बनी गौशालाओं की हालत और गायों का चारा गौ प्रबंधकों द्वारा गटक जाने की शिकायत की गई है। गाय के संवर्धन संरक्षण के लिए जिले में एक अभयारण्य बनाया जाए और गौ हत्या का जो कानून बनाया गया है प्रभावी रूप से उसका लाभ किया जाए। आज गाय माता की जो जगह खत्म हो रही है, हाईवे में एक्सीडेंट हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, अब गाय के नाम पर कई लोगों की राजनीति चलती है। गाय हमारी धर्म है, जब हमारी गाय नहीं रहेगी तो हमारा धर्म नहीं कर पाएगा। बस मात्र राजनीति करते हैं गाय के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, गंगा के नाम पर, और जनता से कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है कि काज क्या कर रहे हैं। आज हमारे देश में गाय के हालात है, क्या दशा है, जिस रोड में आप देखें गाय तड़प रही है, एक्सीडेंट हो रही है, पानी के लिए तड़प रही है, पूछा के लिए तड़प रही है, उसको हम सब मानते हैं कि हमारी माता है। पूरा देश गौ को माता के रूप स्वीकार करता है। उस दुर्दशा को देखते हुए हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान योगी राज श्री शक्ति महाराज के द्वारा यह निर्देशन दिया गया है कि पूरे देश में जिला स्तर पर एक ज्ञापन दिया जाएगा। यदि इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तो भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बृहद रूप से आंदोलन चलाएगा, जनता को जगाने का कार्य किया जाएगा और ऐसे धोखा करने वालों को लोगों का पर्दाफाश करेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।